वेलकम स्टूडेंट, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व एज ओपन एंड क्लोज। बताना है कौन सा ओपन कर्व है और कौन सा क्लोज्ड कर्व है। तो ओपन कर्व जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम नहीं हो, ठीक है, मतलब वो मिले नहीं, वो ओपन कर्व कहलाता है। जैसे ये फर्स्ट वाला आपका कैसा कर्व है, ओपन। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मिला हुआ है, ये देखिए बिल्कुल बंद है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, सो ये क्लोज्ड कर्व है। ओके, ये देखिए ये ओपन हुआ हुआ है, यहाँ से मिल नहीं रहा है, तो ये ओपन कर्व हो गया। अब ये पूरी तरह से क्लोज है, देखिए इसके सारे पॉइंट मिले हुए हैं, ये क्लोज्ड कर्व हो गया। ये भी कैसा है, लास्ट वाला भी आपका क्लोज्ड कर्व हो गया। ओके, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन टू है, स्टूडेंट ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग ओपन कर्व क्लोज कर्व। पहले रफ डायग्राम बनाना है, एक ओपन कर्व के लिए, एक क्लोज कर्व के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर टू है, ओपन कर्व बना रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। जेड इज ओपन कर्व, ये लीजिए बना दिया ओपन कर्व, ये ख़त्म हो गया, बस इतना सा करना था इसमें। और क्लोज कर्व भी बनाना है एक, तो एक पॉलीगन बना देता हूँ, कोई क्लोज कर्व ही है वो, ये देखिए ये क्लोज फिगर है, क्लोज कर्व है, ट्रायंगल बना दिया मैंने एक, ये हमारा क्लोज कर्व हो गया, बिल्कुल बंद है, देखिए सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं, इधर आपके ये पॉइंट जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये ओपन कर्व हो गया। क्वेश्चन थर्ड है, स्टूडेंट ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट इंटीरियर। कोई भी पॉलीगन बनाना है, कोई भी बहुभुज बनाना है, और इसके इंटीरियर को है ना शेड भी करना है, सो ट्रायंगल ही बना देते हैं हम, ठीक है। ये ट्रायंगल बना दिया, तीन साइड्स होती है ट्रायंगल में, तीन वर्टिसेस होती है, ये कॉर्नर जिनको पॉइंट्स को बोलते हैं वर्टिसेस। इंटीरियर शेड करना है हमें, ये लीजिए ये जो एरिया इस साइड ने एनक्लोज कर रखा है, घेर रखा है, ये ही आपका क्या कहलाता है, इंटीरियर, ठीक है। ये आपका इंटीरियर है ऑफ पॉलीगन, इंटीरियर ऑफ पॉलीगन। अब ये कौन सा पॉलीगन है, इसका नेम क्या है, इट्स अ ट्राइंगल। क्वेश्चन फोर्थ है, स्टूडेंट कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये एक फिगर दिया हुआ है, आपको इसे देखना है और आंसर देने हैं क्वेश्चन के। इज इट अ कर्व, क्या ये कर्व है। कर्व क्या होता है, आप पेन या पेंसिल की हेल्प से है ना कोई फिगर बना रहे हैं, जिसे आप बिना लिफ्ट करे बनाते, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है। यस इट इज़ अ कर्व, तो ये क्या है, ये एक कर्व ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन फोर्थ के लिए आपको दिया हुआ है डायग्राम, ये क्वेश्चन फोर्थ का डायग्राम है। इज इट अ क्लोज्ड, क्या ये बंद भी है, कहीं से खुला हुआ तो नहीं है, नहीं ये क्लोज्ड ही है, तो यस इट इज़ अ क्लोज कर्व, ये कर्व भी है और क्लोज कर्व भी है। और स्टूडेंट क्वेश्चन फिफ्थ है, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ अ रफ डायग्राम, है ना। हमें रफ डायग्राम बनाना है, अगर पॉसिबल हो तो, अ क्लोज कर्व डेट इज़ नॉट अ पॉलीगन। एक क्लोज कर्व बनाना है जो पॉलीगन नहीं हो, पॉलीगन के अलावा, यानी हमें कोई ट्रायंगल नहीं बनाना, हमें कोई स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल नहीं बनाना है ना, पेंटागन हेक्सागन ये नहीं बनाना है, इसके अलावा कुछ है ना क्लोज फिगर बनाना है। तो देखिए ये क्लोज कर्व है जो आपका क्या है, पॉलीगन नहीं है, तो ये लीजिए मैंने क्लोज कर्व बना दिया, ऐसे रफ डायग्राम बनाना था, बना दिया हमने ये। अब नेक्स्ट बोल रहा है, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। एक ओपन कर्व बनाना है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनाओ, तो ये देखिए ये एक ओपन कर्व है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना है, तो देखिए ये हम जेड बना देते हैं, ये देखिए ये लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना है, ये एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरी लाइन सेगमेंट, और ये थर्ड लाइन सेगमेंट, ये सिर्फ एंड है ना ओपन कर्व भी है और सिर्फ लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना है। अब है बच्चों, अब पॉलीगन विथ टू साइड, क्या कोई पॉलीगन टू साइड के साथ बना सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये तो संभव ही नहीं है, कम से कम थ्री साइड होती है पॉलीगन में,